फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पुलिस की अरेस्ट की पावर क्या है, वो किस प्रोसीजर से किसी को गिरफ्तार कर सकती है और क्या उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन है कि एक पुलिस ऑफिसर को ये सब परफॉर्म करनी चाहिए कंडीशन जब वो किसी का अरेस्ट करे। पुलिस की एक बहुत बड़ी पावर होती है पावर टू मेक द अरेस्ट, जो सेक्शन 40 ऑफ द CRPC में दी गई है कि पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में जो गंभीर अपराध होते हैं उनमें वो अरेस्ट मेड कर सकती है विदाउट द वारंट, विदाउट द प्रीवियस ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो पुलिस की ये बहुत बड़ी पावर होती है और CRPC सेक्शन 40 उसको ऑथराइज करता है कि अगर पुलिस को FIR के कंटेंट्स को देख के लग रहा है कि एक रीजनेबल केस है अरेस्ट करने का, अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो जो अक्यूज्ड है वो एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर सकता है या कोई और क्राइम उसी नेचर का कमिट कर सकता है तो वो अरेस्ट कर सकती है। लेकिन कभी कभी ये पावर पुलिस इतनी ज़्यादा मिसयूज़ करती है कि पावर टू मेक अरेस्ट, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट है, गाइडलाइन है कि पुलिस को अरेस्ट करते समय क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, वो मैं बताऊँगा। दूसरा, CRPC में क्या एक्सप्रेस प्रोविज़न है जो एक सेफगार्ड प्रोवाइड कराते हैं अरेस्टी को, जो अरेस्टेड पर्सन है, कि पुलिस उसका आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं कर सकेगी चाहे तो, अगर चाहे भी तब भी आर्बिट्ररी अरेस्ट ना कर सके, ऐसे सेफगार्ड CRPC में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं जो कि एक अरेस्टी को राइट देता है टू प्रिवेंट फ्रॉम द आर्बिट्ररी अरेस्ट बाय द पुलिस। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 21 में, ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। सिर्फ एक फेयर, जस्टिस और रीजनेबल प्रोसीजर के तहत ही किसी की लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, बाकी और आर्बिट्ररी ढंग से कर्टेल नहीं किया जा सकता है। और अरेस्ट की जो पावर है वो लिबर्टी को कर्टेल करती है, तो अरेस्ट का प्रोसीजर भी फिर आर्टिकल 21 के तहत जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। तो अब यही इस कॉन्स्टिट्यूशनल का जो मैंडेट है आर्टिकल 21 का, उसी को इन्फोर्स कराने के लिए कि भाई अरेस्ट हमेशा जस्ट, फेयर और रीजनेबल हो, CRPC में कुछ एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं और सुप्रीम कोर्ट की लीडिंग गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले मैं CRPC का सेक्शन 46 डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि डिस्कस करता है कि अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे होना चाहिए। तो इसमें सेक्शन 46 में ये लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर फिजिकल फोर्स यूज़ कर सकते हैं अरेस्ट करते समय, किसी को कस्टडी में लेते समय, लेकिन ऐसे अपराधों में जिनमें डेथ सेंटेंस नहीं दी है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, उसमें वो उसको गिरफ्तार करने के लिए उसकी मृत्यु नहीं कर सकते हैं, डेथ नहीं कॉज कर सकते हैं। वो फोर्स यूज़ कर सकते हैं बट विद इन द रीजनेबल लिमिटेशन, ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी को मार के उसका सर फोड़ के उसको अरेस्ट कर रहे हैं, नहीं। सेकेंड जो इसमें चीज़ है वो ये है कि अगर किसी फीमेल को अरेस्ट करना है, पुलिस को फीमेल अक्यूज्ड है, तो उसे सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि ये महिला भाग जाएगी और जस्टिस बेकार हो जाएगा, तो फिर वहाँ का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में अरेस्ट मेड करना है, उसे रिटन परमिशन के तहत अरेस्ट मेड किया जा सकता है। दूसरा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 41B, जिसमें अरेस्ट का पूरी प्रोसीजर दिया गया है कि जब अरेस्ट करने आएगा पुलिस ऑफिसर तो वो एक अरेस्ट मेमो बनाएगा। अरेस्ट मेमो अगर नहीं बना है तो वो अरेस्ट लीगल नहीं मानी जाएगी। अरेस्ट मेमो बनाएगा अरेस्ट करते समय, उसको जब वो अरेस्ट कर रहा होगा तो किसी फैमिली मेम्बर से अटेस्ट कराएगा, या अगर फैमिली मेम्बर नहीं है तो जो सोसाइटी होगी जहाँ अक्यूज रहता है, जहाँ पे अरेस्टेड पर्सन रहता है, उससे अटेस्ट कराएगा कि हाँ भाई तुम्हारे सामने हमने गिरफ्तारी की है, देखो। तो अरेस्ट मेमो को अटेस्ट कराया जाएगा। दूसरी बात, अब तीसरी चीज़ ये लिखी हुई है सेक्शन 41B में, दूसरी चीज़ कि जो एक्यूरेट यहाँ पे ID कार्ड होना चाहिए, जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आया है वो उसके पास ID कार्ड यहाँ होना चाहिए जिसमें उसका नाम क्लियरली लिखा हो, ठीक है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो पुलिस है कि कहीं कोई और तो नहीं अरेस्ट कर रहा है। तो 41B ये कहता है,
46 क्या कहता है मैं आपको बता चुका हूँ। सेक्शन 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 50 ये राइट देता है अरेस्टेड पर्सन को कि जैसे ही अरेस्ट किया जाए किसी पर्सन को, उसको तुरंत ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया जाए कि भैया गिरफ्तार क्यों कर रहे हो मुझको, मेरी लिबर्टी क्यों कर्टेल कर रहे हो, तो तुरंत ग्राउंड्स बताए जाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर किसी को बिना ग्राउंड बताए हुए अरेस्ट किया है पुलिस ने तो ये इलीगल डिटेंशन है और इसके खिलाफ हेबियस कॉर्पस की रिट हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के 32 के तहत जा सकती है। अगर इफ द एनी पर्सन गॉट अरेस्टेड विदाउट टेलिंग द रीजन ऑफ बीइंग अरेस्टेड देन ही कैन देन दिस अरेस्ट वुड बी कॉल्ड एज अ इलीगल डिटेंशन एंड द रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी फाइल अगेंस्ट सच इलीगल डिटेंशन। तो सेक्शन 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकार देता है उस पर्सन को कि वो जाने कि किस कारण से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और पुलिस को उसको गिरफ्तार बताना पड़ेगा वो कारण। दूसरी जो पावर है एक सेक्शन की वो है सेक्शन 50A की। सेक्शन 50A ये कहता है कि जैसे ही किसी को अरेस्ट किया जाएगा उसके घर वालों को या उसके नेक्स्ट फ्रेंड को तुरंत ये बात बताई जाएगी कि इनको इस प्लेस में यहाँ से गिरफ्तार किया गया है और इस प्लेस में इस पुलिस स्टेशन में रखा गया है। तो ये चार मैंने बहुत ही मोटे और मेजर चीज़ें बताई जो अरेस्ट करते समय पुलिस वालों को ध्यान रखना चाहिए, वरना वो अरेस्ट आर्बिट्ररी हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, बहुत ही लीडिंग केस है, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में, अरेस्ट का जहाँ पे भी जिक्र आएगा, कहीं ज्यूडिशियल एग्जाम में लिखना हो, कहीं भी अगर अरेस्ट के टॉपिक को लिखा गया है तो बिना इस केस का जिक्र किए वो पूरा नहीं हो सकता है। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है, सुप्रीम कोर्ट में ने इसमें 4-5 गाइडलाइंस लेट डाउन की थी या कुछ लेट डाउन की थी, उसकी मेन मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहली गाइडलाइन ये लेट डाउन की थी कि जो भी पुलिस वाला अरेस्ट करने जाएगा उसके पास यहाँ एक्यूरेट आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कि वो पुलिस वाला है। दूसरी लेट डाउन ये की थी कि जैसे ही अरेस्ट करने जाएगा वो अरेस्ट मेमो ऑफ अरेस्ट पहले बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा पुलिस वाला जो गिरफ्तार करने जाएगा, और गिरफ्तार करते समय वो अटेस्ट कराएगा उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को। तीसरी गाइडलाइन ये थी उसमें कि जैसे उसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे, अरेस्टेड पर्सन को ग्राउंड बताए जाएंगे कि तुमको हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तीसरी गाइडलाइन इंपॉर्टेंट ये थी कि चौथी गाइडलाइन ये थी कि जब गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद उसके संबंधियों को तुरंत बताया जाएगा कि इनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर रखा गया है डिटेन करके। पाँचवीं बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो ये है कि पुलिस डायरी होती है एक, सेक्शन 172 CRPC के तहत पुलिस उसको मेंटेन करती है, सेक्शन 172 या सेक्शन 171, मुझे थोड़ा सा डाउट है सेक्शन 171 या सेक्शन 172 में पुलिस डायरी मेंटेन होती है। उसमें तुरंत गिरफ्तारी के बाद तुरंत उसमें किस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया है उसने उसके वो उसको ये बताया गया कि भाई हाँ तुम्हें अपने दोस्तों को बताने का अधिकार है और किसने किससे उसकी बात कराई गई गिरफ्तार वाले व्यक्ति को, ये सारी जानकारी पुलिस अरेस्ट मेड करते ही अरेस्ट डायरी में लिखेगी। तो ये 5 गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की इन द वेरी लीडिंग केस नोन एज डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से एक अरेस्ट, अगर आपको ये जानकारी है तो आप पुलिस से कभी इस बात पे तो नहीं डरोगे कि भाई मुझे इलीगल अरेस्ट कर लेगी या बिना बताए कि चलो अब अंदर चलो बस मेरा मन है तो मैं तुम्हें अंदर जेल में रखने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पुलिस को एक रीजनेबल जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है किसी को गिरफ्तार करते समय, because it is mandated by the honorable article 21 of the constitution that no state can curtail the liberty of any person express except by the procedure established by the law। Thank you।